नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, जो हमारे अब तक के आज तक के हमने जो वीडियो बनाए थे उस किसी भी वीडियो में मैंने कैमरा फेस नहीं किया था, तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। फ्रेंड्स, मैं हूँ राघव प्रताप, स्वागत करता हूँ आपका आज के इस वीडियो में। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारी SML की, स्पेसिफिक मैं SML की गाड़ी की बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। जो हमारी SML की डीजल या CNG जो भी गाड़ियां हैं, तो उन गाड़ियों में सर्विस शेड्यूल जो होता है, सर्विस शेड्यूल में आपको सबको मतलब जो भी गाड़ियां जाती हैं उसके सर्विस मैनुअल जाता है साथ में, और उस मैनुअल में मेंशन रहता है कि कौन सी सर्विस किस टाइम पे होनी है और कौन सा पार्ट इसमें चेंज होना है। एक्चुअल मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि मैं इस वीडियो में आपको स्पेयर पार्ट जो भी है, हमारी गाड़ियों के स्पेयर हैं जो रनिंग स्पेयर जिनको बोलते हैं, तो उन रनिंग स्पेयर की लाइफ बताऊंगा कि कितनी लाइफ है उस स्पेयर की और कितने टाइम बाद वो चेंज होने हैं। तो उसमें हमारे सारे आएंगे, मैं इंजन ऑयल से लेके और जो भी हमारे रनिंग स्पेयर वो सारे इसमें कवर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा इस वीडियो में इंजन ऑयल। तो जो हमारे सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंग भी और जो हमारा ऑन रिटन मेंशन है हमारे जो ओनर मैनुअल में, वो है हमारी CNG गाड़ी के इंजन ऑयल की लाइफ 20,000 किलोमीटर और 6 मंथ है। यानी कि 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर अगर गाड़ी आपकी 20,000 किलोमीटर नहीं भी चलती है, तो अगर मतलब आप चाहते हैं कि कंपनी हमारी जो भी गाड़ी पे वारंटी है, गाड़ी पे वारंटी हमें प्रॉपर मिले, तो वो गाड़ी आपको 20,000 किलोमीटर ना ही चलती फिर भी आपको 6 मंथ पे गाड़ी की सर्विस करानी चाहिए, मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। तो मैं आपको अपनी पर्सनल राय बता रहा हूँ, बाकी जो कस्टमर हमारी जो गाड़ियां चलाते हैं वो अपना उनका अलग व्यू होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो डीजल गाड़ियां हैं, डीजल गाड़ी के जो शेड्यूल मेंटेनेंस है उनकी फर्स्ट सर्विस होती है 20,000 किलोमीटर पे। सर्विस शेड्यूल 20, 40, 60, 80, उसकी सर्विस फर्स्ट सर्विस होगी आपकी 20,000 किलोमीटर पे। उसमें सिर्फ एक डीजल फिल्टर जो टंकी वाला होता है, जो प्री जिसको बोलते हैं डीजल टैंक फिल्टर, वो एक फिल्टर चेंज होता है, और उसमें आपके जो भी ऑयल है सारे टॉप अप होंगे, कोई भी तेल चेंज नहीं होता। तो जो डीजल गाड़ी की इंजन ऑयल की लाइफ है, तो वो है सेकंड सर्विस 40,000 किलोमीटर पे इंजन ऑयल गाड़ी का चेंज होगा। 20,000 किलोमीटर पे सर्विस डीजल गाड़ी में इंजन ऑयल चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब बात करेंगे गियर और डिफरेंशियल ऑयल की। तो गाड़ी हमारी CNG हो या डीजल हो, गियर और डिफरेंशियल ऑयल की लाइफ है जो एक्सटेंडेड क्वालिटी का, जो अब कंपनी ने वॉल्वोलिन का जो डल रहा है उसमें, उसकी एक्सटेंडेड लाइफ करने के बाद गाड़ी के 80,000 किलोमीटर और 2 ईयर, जब गाड़ी आपकी 2 साल और 80,000 किलोमीटर कवर कर लेगी, उसके बाद आपको गियर ऑयल और डिफरेंशियल ऑयल चेंज कराने की जरूरत है, ठीक है फ्रेंड्स। बात करूंगा आगे मैं इसके एयर फिल्टर की। तो जो हमारी डीजल गाड़ी या CNG गाड़ी जो एयर फिल्टर की लाइफ है वो सेम है। तो प्राइमरी एयर फिल्टर है वो हमारा 40,000 किलोमीटर पे, जो सेकंड सर्विस होगी उसमें एयर फिल्टर हमारा सेकंड सर्विस पे चेंज होता है। अच्छा, इसमें हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी जो अंदर वाला फिल्टर है वो थर्ड रिप्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट फिल्टर, यानी कि जो हमारा प्राइमरी फिल्टर है जब 3 बार चेंज होगा तब हमारा सेकेंडरी फिल्टर जो अंदर वाला है वो 1 बार चेंज होता है। तो ये हमारे एयर फिल्टर की लाइफ है। अच्छा फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे बॉस का। एक आपकी डीजल गाड़ी में आपने देखा होगा बॉस का फ्यूल फिल्टर कम सेडिमेंटर लगा हुआ है, जिसको हम CRS फिल्टर भी बोलते हैं। तो उस फिल्टर की लाइफ आपकी 60,000 किलोमीटर, यानी थर्ड सर्विस जो होगी गाड़ी डीजल गाड़ी में, क्योंकि वो CNG में होता नहीं है, जो डीजल गाड़ी की थर्ड सर्विस होगी उसमें आपको वो फ्यूल फिल्टर कम सेडिमेंटर कंपल्सरी चेंज कराना ही चाहिए मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि उस फिल्टर को वो, एक तो वाटर सेपरेटर भी है उसमें, जो फ्यूल में आपके में जो भी पानी आता है उसको भी सेपरेट करता है, और उसके बाद वो फिल्टर भी ऑयल को फिल्टर करके भी आगे करता है उसमें, और फ्यूल टेम्परेचर सेंसर भी उसमें फिटेड रहता है। तो वो आपका थर्ड सर्विस और 60,000 किलोमीटर पे डीजल गाड़ी में वो फिल्टर चेंज होता है। अब इसमें फ्रेंड्स मैं बात करूंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारे स्पार्क प्लग, जो हमारी CNG गाड़ी में स्पार्क प्लग लगे होते हैं, उन प्लग्स की, स्पार्क प्लग्स की लाइफ 30,000 किलोमीटर, यानी कि 30,000 किलोमीटर के अंतराल पे एवरी 30,000 किलोमीटर यू हैव टू चेंज द स्पार्क प्लग। आपको स्पार्क प्लग चेंज कराने ही पड़ेंगे, उसके बाद अगर आप उसको चेंज नहीं कराएंगे तो आपकी गाड़ी की एवरेज माइनर हो जाएगा, गाड़ी पिकअप पूरा नहीं लेगी और आपको पूरा एफिशिएंसी नहीं मिलेगी गाड़ी की। तो ये स्पार्क प्लग की जो लाइफ है, जो SML द्वारा या जो भी हमारा जो OEM प्रोडक्ट्स हैं, जो एडवांटेज का सिस्टम लगा हुआ उसके द्वारा जो सेट की गई है, तो वो हमारी 30,000 किलोमीटर पर स्पार्क प्लग चेंज होते हैं। फ्रेंड्स, बात करूंगा मैं ब्रेक ऑयल और ग्रीस की। जो गाड़ी में हमारी में क्लच में और ब्रेक में, मतलब जो सब रिजर्व ऑयल लगे हुए उनमें जो ब्रेक ऑयल रहता है हमारा हाइड्रोलिक गाड़ियों में, तो उनकी क्लच और ब्रेक ऑयल की लाइफ जो है 80,000 किलोमीटर, यानी जब हमारी गाड़ी को 2 साल हो जाएंगे तो हमें वो चेंज कराना चाहिए। नहीं तो उससे, अगर आप ब्रेक ऑयल चेंज नहीं कराएंगे तो उससे दिक्कत क्या आएगी, तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि गाड़ी में आपकी में ब्रेक ऑयल कट जाएगा, अगर
बिल्कुल गाढ़ा हो गया, मान लो आपकी किट में दिक्कत आने लगी तो वो कितना कॉस्टली हो जाता है आपको। एक व्हील सिलेंडर जो पड़ता है आपका 1700 रुपए का व्हील सिलेंडर पड़ता है, तो क्यों ना 300 रुपए का ब्रेक ऑयल, जो आपकी लास्ट सर्विस है 80,000 किलोमीटर पर होती है, उसमें आपके व्हील ग्रीस होते हैं तो उसमें ग्रीस भी चेंज करानी है आपको 80,000 किलोमीटर पर, और ब्रेक ऑयल भी चेंज कराना है। अच्छा फ्रेंड्स, एक रेगुलर कंप्लेंट जो हमने नोटिस करी है जैसे हम कस्टमर को अटेंड करते हैं, तो वो आती है टायर वियर की। टायर वियर जो कस्टमर बोलते हैं जिसको कि हमारी गाड़ी टायर खा रही है, तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो SML रिकमेंडेड है, आपको उस ओनर मैनुअल खोल के देखेंगे उसमें दिख जाएगा, एवरी 5000 किलोमीटर हर एक 5000 किलोमीटर के बाद आपको गाड़ी के टायर रोटेशन कराने हैं। अब फ्रेंड्स टायर रोटेशन से आप समझिए, टायर का रोटेट यानी कि, अब मैं उसको आपको एक विजुअल दिखा देता हूं कि किस तरीके से टायर का रोटेशन होता है, उसके बाद आपको वो अच्छे से समझ में आ पाएगा। बेसिकली फ्रेंड्स, मेरा ये टायर रोटेशन का टॉपिक बात करना इसलिए जरूरी था क्योंकि आए दिन हमारे पास कस्टमर आते हैं और उनकी कंप्लेंट ये रहती है कि भाई टायर वियर हो रहा है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, हमारा जो भी है वेंडर्स है, हमारा टाइम टू टाइम हमें वो बताते रहते हैं और बाकी जो बेसिक नॉलेज है वो मोस्टली हमारे कस्टमर इस चीज़ को समझते हैं। तो उसमें बेसिकली बताने वाली बात मेरे लिए ये है कि जो टायर में जो आपकी टायर की रबड़ है, 15% रोल इस टायर की रबड़ या टायर की क्वालिटी का होता है, जो 90% रोल आपके टायर में हवा का प्रेशर का होता है कि किस तरीके से आपने टायर में हवा डलवाई हुई है। तो फ्रेंड्स कभी भी इस चीज़ को तो इग्नोर करें ही ना। फर्स्टली आप चाहे नई गाड़ी ही लेके आ रहे हैं, गाड़ी ऑन रोड होने से पहले टायर में कम से कम अपने टायर में आप हवा चेक करवाएं, और रियर में आपकी गाड़ी जो जैसे मान लीजिए 5 टन भी पास है तो मैक्सिमम जो एयर प्रेशर है वो 95 से 100 के बीच में होना चाहिए, उससे ज़्यादा जो आप डलवाते हैं 110-120 ये रिकमेंडेड ही नहीं है। अगर आप एयर प्रेशर के बारे में कुछ ज़्यादा इसके ब्रीफ में जानकारी चाहेंगे तो आप सर्विस मैनुअल खोल के देखें जो आपको नई गाड़ी के साथ में मिला हुआ था, तो उसमें टायर प्रेशर के बारे में फुल डिटेल है कि कौन से साइज है आपका, 8/25-16 साइज का टायर है तो उस टायर में कितनी हवा आपको डलवानी है। अच्छा फ्रेंड, बेसिकली रोटेशन से मतलब ये है मेरा कि गाड़ियों की मान लीजिए आपकी गाड़ी कोई सेम रूट पे ही चल रही है रेगुलर, ठीक है, और एक साइड से कोई अनइवन वियर हो रहा है, आप टायर रोटेशन कराने से आपको क्या प्रॉफिट होगा। बेसिकली आप प्रोसेस को समझिए कि जब भी टायर रोटेट होना है आपका, 5000 है चलो ठीक है, आप 6000-7000 पर रोटेट करवाते हैं, लेकिन रोटेशन में आप ये चीज ध्यान रखें, जो ये आउटर वाला टायर है, रियर आउटर का टायर है, ये आपको रोटेट कराना है, तो ये दूसरी साइड में जो आपका इनर साइड लगा हुआ है ये उस जगह पे जाएगा। उस पर मतलब क्या है कि अगर आप इस टायर को उधर पहुंचाएंगे तो ये रोटेट होके जो ये टायर अभी अंदर है ये पोर्शन बाहर आ जाएगा, ये पोर्शन अंदर, मतलब साइड चेंज होनी चाहिए। बेसिकली रोटेट होने का मतलब है कि टायर की इनर साइड आउटसाइड में चली जाए और आउट इनर में आ जाए। इस तरीके से आप रोटेशन कराएं अपनी गाड़ी का, और बहुत ही नेसेसरी है रोटेशन, इससे आपकी टायर की लाइफ मैक्सिमम मिलेगी आपको, जितना आपकी टायर की लाइफ अप्रूव्ड है टायर मैन्युफैक्चरर द्वारा उससे ज़्यादा लाइफ मिलेगी आपको अगर टाइम टू टाइम आप टायर को रोटेट कराएंगे। तो ये था फ्रेंड्स हमारा एक बेसिक वीडियो जो हमने हमारे इस पार्ट की लाइफ और गाड़ी की बेसिक जानकारी के ऊपर बनाया था। फ्रेंड इससे रिलेटेड कोई भी और जानकारी आप चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। तो यही था आज की वीडियो में फ्रेंड्स वीडियो लाइक आए वीडियो फ्रेंड्स हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।